नमस्ते रची दिले सलाम वालेकुम, आप सबका स्वागत करते हैं जीएस प्रोमो चैनल के एक और वीडियो में। हाँ, आफ्टर वर्किंग 6 days, मतलब हफ्ते में 7 दिन होता है, राइट? 6 दिन काम करने के बाद एक दिन बोले तो संडे में क्या करते हैं दुबई में, एक लेबर का ज़िंदगी में क्या होता है जानना है तो बने रहिएगा। दुबई से यहाँ बोले तो सेंटर पॉइंट, और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का, ठीक है? वैसे आपको बताया नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मशरक पार्क में जा रहा है ये ब्रदर्स हैं। और एज़ पर गूगल का इन्फॉर्मेशन से क्या है बोलने से, वो ऐसा एक पार्क है जहाँ आप एडवेंचर कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें जो कर सकते हैं। ये तो रहा गूगल का इन्फॉर्मेशन, रियलिटी क्या है, प्रैक्टिकली क्या है, वो जाके देखते हैं। उसके लिए आप क्या करना है, जस्ट स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं पार्क में। बस आने को कितना, 2 मिनट बता रहा हूँ, 2 मिनट है बोल रहा है बस आने को हमारा मिस्टर सांग दौर जी ने, तो बस आने का चलो कॉमेडी हो गया। 2 मिनट और है बस आते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? दिस इज़ द बस, इस बस के ज़रिए से जाते हैं। अभी तो हम आया था मेट्रो में, अभी जाते हैं बस के ज़रिए। बहुत भीड़ भाड़ है, चलो पार्क में जाके मिलते हैं मेरे भाई। तो फिलहाल बस से आ गए हम, अभी चश्मा लगा लेंगे। सो गाइस आ गए अभी, ये है पार्क, ठीक है? और जगह का नाम, जगह क्या बोलेगा, बरदुबई से जब भी आप आता है, बरदुबई से हो, शारजा से हो, कहीं से भी आना है तो रेड मेट्रो स्टेशन में आएगा बोले तो सेंटर पॉइंट, और रसीदे में उतरना है। सेंटर पॉइंट उतरने के बाद वहाँ से बस आता है और बस लेके यहाँ छोड़ देता है। अभी अंदर जाके दिखते हैं आपको, एक्सप्लोर कराते हैं क्या क्या एडवेंचर है कि नहीं है, स्विमिंग पूल है कि नहीं है, वो सब। पार्क बहुत बड़ा, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा ठीक से कि कहाँ कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ें राइट में है लेफ्ट में है, नहीं पता लग रहा है। फिलहाल यहाँ बोर्ड में लिखा था कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आगे जाओ और एक्टिव गेम के लिए आगे जाओ, स्विमिंग पूल्स के लिए आगे जाओ, इसका मतलब आगे ही है लगता है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट, दिस इज वर्ल्ड विलेज, ये तो लिखा ना, मैं तो अंदर जाकर आया, आज आपको भी घुमाते हैं वर्ल्ड विलेज का। अच्छा, वर्ल्ड विलेज में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये जो मशरक पार्क है उसका नेविगेशन बोलो या मैप यहाँ पे है, देखो मशरक पार्क जो लिखा है ना, इसका जहाँ जहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ए बी सी डी करके सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ए में है जैसे कि मान लो आपका ट्रेन स्टेशन, बी में है आपका इंटरनेशनल विलेज, देन मैन गेट, सी में डी, ऐसे करके सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका, ठीक है? तो आप यहाँ आके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए चलो आपको मैं लेकर चलता हूँ वर्ल्ड विलेज, लेट्स गो। मतलब एक बात बोली थी, अच्छा ये जो पार्क में ना फैमिली के साथ आने से मज़ा होगा आपका। यहाँ बहुत बड़ा मासिव एकदम एरिया है जहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके ना चिल आउट कर सकते हैं, साइकिलिंग वगैरह कर सकते हैं। यदि साइकिलिंग नहीं लिया तो वो बाहर में रखा हुआ है, पर आवर्स 30-40-50 दिरहम कुछ का है। और बस देखो, थैंक यू, जो है ना प्लेयर पूछ रहा है, चलो प्ले कर लो, खेल लो। बहुत लोग है, क्राउड है कसम से, बहुत लोग आए, फिर भी इतना बड़ा एरिया है कि बस मेरा। वो देखो आपको जो स्विमिंग पूल बताया था ना मैंने, वो वहाँ पे गेट वहाँ से है, हम स्विमिंग पूल में जा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी ठंड है। दैट्स द स्विमिंग पूल एंड यहाँ पे चिल आउट करने के लिए सारा पब्लिक आकर रखा है।
वैसे ये पब्लिक पार्क है, पॉपकॉर्न का इतना बड़ा खुशबू नहीं आ रहा है, बड़ी ऐसे यहाँ मिलता है मीठा खुशबू एक तो विल्ला कैफे शॉप, वो जो छोटा वाला विल्ला कैफे शॉप है ना, देखो पार्क के अंदर शॉप भी है, चलिए वहाँ चलते हैं। ये वाला चीज़ें मैंने गूगल में देखा था और ये अब मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकली, खूबसूरत है ना, ये मस्त है ना। दूसरा चीज़ें जो मैंने देखा था गूगल में इसके साथ ये है वो थाई हाउस, जो कि ये है आपका थाई हाउस, खूबसूरत है ना। ये रहा थाई हाउस जो बच्चा लोग खेल रहा है, इसका गेट ये है, आपको भी अंदर जाना है चलो लेके चलते हैं, लेकिन शायद हम बराहर नहीं जा सकते यहाँ, हालांकि मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो थाई हाउस का गेट है छोटा सा और बच्चे लोग वहाँ खेल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गया और ये चीज़ें हो गया जिसको मैंने देखा था उसमें, क्या कहते हैं गूगल में, और दूसरा आपको मैंने देखा था वो वाला, वो ये वाला घर देखा था जहाँ लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। काफ़ी चीज़ें देखने को है यहाँ। ये क्या जापानीज हाउस, जापानीज हाउस ऐसा कुछ दिखता है, देखो खूबसूरत है ना। हालांकि अरुणाचल में भी घर ऐसे ही होता है। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, फाइन। देखो उसका गेट कितना छोटा सा है, इतना छोटा सा गेट है, अंदर शायद नहीं जा सकता। कैन गो इनसाइड राइट? या कैन गो इनसाइड, इज इट? या पॉसिबल, ओह माय गॉड, बट ओनली स्मॉल बेबी कैन कम। ये है छोटा सा घर, ये है जापानीज का, ठीक है। और एल्स क्या है मैं आपको दिखाते हैं, और दूसरी चीज मौसम भी बढ़िया है ना, ठंड ना गर्म है ना। देन हियर ये लिखा है आपका बर्मा हाउस, ये भी मैंने देखा था गूगल में, इसका पिक दिखा हुआ था और ये प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ। ये बर्मा हाउस तो बोल रहा है लेकिन टेंपल की तरह लग रहा है ना, देखो अभी आपको मैंने दिखाया बर्मा हाउस, जापानीज हाउस, थाई हाउस, ये सब चीज़ें मैंने दिखाया था गूगल में पिक्स, और प्रैक्टिकली यहाँ आकर आपको दिखा रहा हूँ। चिड़िया खाना दिखाते हैं आपको, चिड़िया खाना, ठीक है, चिड़िया खाना। सो हियर आर द इन्फो, इलेक्ट्रिक गेम्स यहाँ में है, स्विमिंग पूल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कहाँ पे जाना है आपको उस तरह का में एरो लगा के रखा हुआ है। सो फाइनली ये नया जू जो बन रहा है, ओ माई गॉड बहुत खूबसूरत बन रहा है, देखो नया है लेकिन ना अभी तो कुछ है नहीं इसमें, सो आई डोंट थिंक इस जू नहीं है, तो कुछ और लग रहा है, पर ये है आपका डेफिनेटली जू, दिस इज द वन, इसको जू नहीं बोलते ना, क्या कहते हैं, चिड़ियाखाना, चिड़ियाखाना में तो मुर्गी डाल के रखा है लोगों ने, मुर्गी चिड़िया सब साथ में, सो काफ़ी बच्चे लोग यहाँ में इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ में ना बच्चों के लिए, बहुत कुछ है, और यदि आपने कुछ खाने को पीने को नहीं लिया तो यहाँ में छोटा छोटा स्टोर खोला है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और वहाँ पे भी था, तो इंस्टॉल भी है यहाँ में, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव है बाहर से, वो तो होएगा ऑब्वियसली ना। सो आमदूर में पार्क में ये सब चीज़ें नहीं होती लेकिन यहाँ पे है। मैंने सोचा था ये खेल जो है एक्चुअली बच्चों के लिए, लेकिन बड़े लोग भी खेल रहे होते हैं, और सांग और बच्ची गया है टिकट लेने के लिए, टिकट लेके हम लोग भी खेलते हैं, हम भी खेलते हैं यार, आपने बताया ना टिकट का प्राइस दोस्त दोनों को, वो दोनों लेने के लिए गया, एक बार में कितना 5 दिरहम और एक पर्सन का 5 ही, आप कहाँ से हो बॉस, आप कहाँ से खेलेगा 10, अच्छा दो दफ़ा के लिए 10 रुपया, एक दफ़ा का 5 रुपया, आप कहाँ से, बांग्लादेश, बांग्लादेश से, चलो मिल के अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। ओह नो, सबसे पहले दोनों में से दोनों डरपोक हैं इसलिए हम पहले जा रहा है, ठीक है, ठीक है, 1 2 3 गो, ओ गया, अय्या एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, मजा आ गया। चल बढ़िया लगा यार, जेंट्स राइड का अच्छा एक्सपीरियंस था, कैसा लगा मेरे भाई, थोड़ा दिल दिख देखो, ओए सांग हाउ वाज द एक्सपीरियंस, लवली, चलो चलते हैं अभी, सो इट वाज ऑसम, बढ़िया एक्सपीरियंस था पार्क में आके,
ये चीज अच्छा किया हमने। काफी चिड़िया का आवाज सुनने को मिल रहा है ना। ये पार्क का नाम मैंने आपको पहले भी बताया है, मशीफ पार्क है, ऑसम है। आज का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको भी पसंद आएगा क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा चिल आउट किया। वैसे तो ये फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है, आपने देखा कितना बड़ा ह्यूज एरिया है ना, वहाँ पे बच्चा लोग खेलने चाहे फुटबॉल वॉलीबॉल कुछ भी खेल सकते हैं। और जो पेरेंट्स लोग हो या फिर आप लोग दोस्त के साथ में आए हो तो जैसे कि आप क्या कहते हैं बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हैं। ऑसम है, यहाँ में चिड़ियाखाना भी है, बहुत कुछ है। सो एक्चुअली भी है, टोटल मिला के मस्त था यार। सो आप लोग चाहें तो मैं इसका लोकेशन डाल दूंगा, ठीक है, आप आके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया टिकट तो बहुत कम ही है, लेकिन हम लोग आज टिकट पे करना नहीं पड़ा। सो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा ओवरऑल। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा, मजा कीजिएगा, बाय बाय।